जिसको आकल चनाम ने फरमाया कि क्यामत से पहले अदवार फितन होंगे, तो फितनों का दौर शुरू हो चुका है। अब ये दौर कितने मिलियन ईयर चलता है, आप समझ गए? जी जी। कितने हंड्रेड थाउजेंड ईयर चलता है, कितने मिलियन चलता है, ये तो अल्लाह को मालूम। तीन अदवार फरमाए आकल चनाम ने, पहला दौर छोटे फितनों का, इसके बाद इससे बड़े फितने होंगे, उसके बाद आखिरी फितने होंगे, वो शॉर्टेस्ट पीरियड होगा, वो फितने होंगे जिसमें सूरज का मशरक़ की बजाय मगरिब से दस अलामात हैं पलटना। उस जमाने में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से वापस उतरेंगे, वो फितनों के उस दौर में, उसी दौर में फितनों की इस्लाह के लिए सैयदना इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके होंगे दोबारा। एक कौल जो फिका जाफरिया के उलमा का है, वो उनका कौल ये है कि दोबारा जाहिर होंगे। दूसरा कौल जिसको अहले सुन्नत बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि फिर वो पैदा होंगे। तो ये तो एक अलग चीज़ है, जाहिर हो जाएंगे या पैदा होंगे, मगर उनकी आमद होगी उन्हीं फितनों के दौर में, फितनों के खात्मे के लिए। तो वो फिर दज्जाल भी अपीयर उसी पीरियड में होगा, फिर जंग होगी, तो वो एक निज़ाम है। उससे पहले जो दौर है फितनों के, उसमें दो फितनों के लंबे दौरों में पहला दौर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जितनी अलामात बयान फरमाई वो सारी अलामात 100% जाहिर हो चुकी हैं पहले दौर। यानी दोबारा खवारिज का जो जहूर होगा फितनों का, दहशत गर्दों का, वो आपके सामने पूरी उम्मत में दहशत गर्द खवारिज तबके, तालिबान पाकिस्तान में कोई जैश मोहम्मद के नाम से किसी ने सिपाही सहाबा बनाई, नाम बदले, मगर वो इमर्ज होते गए, अल्टीमेटली तालिबान बन गए जी। फिर वो अलकायदा बन गए, अब फिर दाइश बन गए। और मेरी जो अब मौजूदा किताब आ रही है, अभी सब प्रेस में है जी, वो है बेटे आइसिस एक्सपोज्ड थ्रू प्रोफेटिक ट्रेडिशंस, दाइश पर किताब है, कुछ 450 सफहात की, जिसमें मैंने साबित किया कि दाइश का जिक्र हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हदीस में कर दिया था, वो भी इन्हीं फितनों का दौर है। मैंने वो सारी हदीस के हवाला जात से हदीस दे दी है, फरमाया कि इराक के डेजर्ट से निकलेंगे ये, इराक के सहराई इलाके से, और इराक के साथ सीरिया को घेर लेंगे, दमिश्क को, और उससे इजिप्ट में भी ये फितना पैदा होगा, फिर यमन को घेर लेंगे, पूरा अरेबियन पेनिनसुला इसकी जद में आएगा, ये सब उनके काले झंडे होंगे, दाइश के काले फ्लैग जी जी। और वो अपने आप को असाबुद्दौला कहेंगे, जिन्हें दौला कहते हैं, अद्दौला इस्लामिया अल इराक वल वशाम का जी जी। दाइश मुराद अद्दौला अल इस्लामिया अल इराक वशाम दाइश, तो मैं वो असाबुद्दौला उद्दौला इस्लामी स्टेट का कहेंगे। हुज़ूर इस्लाम ने हदीस में फरमाया, और ये कत्ल करेंगे लोगों को, खून बहाएंगे पानी की तरह, वगैरह वगैरह ये। और फिर बाकी जो घरों के अंदर फितने हैं, जैसे जो आम यानी झूठ का आम हो जाना, शराब का आम हो जाना, बदकारी का आम हो जाना, करप्शन का आम हो जाना, और हराम का माल आम हो जाना, रिज़्क़ हलाल का होना, जहालत का बढ़ जाना, इल्म दीन का इल्म उठ जाना, और इस तरह की, और छोटी घटिया लोगों का सरदार और सरबरा और रहनुमा और लीडर बन जाना, घटिया किरदार के लोगों का, कौमों का, कबीलों का और रियासतों का सरबरा बन जाना, जिनके शर से लोग डर के उनके ताबे हो जाएं, ये सारी चीज़ें जो इस तरह की, अगर 100 अलामतें भी तादाद बना लेना, इस पर भी मेरी किताब है अलामात और फितन पर हदीस पाक, वो सारी जाहिर हो चुकी। ये जहाँ बैठे हैं और ये जो गल्फ है UAE, फरमाया ये जो सहरा है अरब का, इसमें फलकबोस इमारात बन जाएंगे, और नंगे पांव ऊंट चलाने वाले बहुत बड़े उनके मालिक और बादशाह हो जाएंगे यहाँ। अब वो सब कुछ हो गया, हो चुका है। इस तरह मैंने ऐसे चंद नमूने दिए। फिर अगला दौर है, अभी जो फितनों का दौर है, इस फितनों के दौर में मादियत गालिब आ गई। मादियत उसने और दुनिया परस्ती ने कब्जा कर लिया लोगों के जहनों पर, दिमागों पर, सोचों पर, ख्वाहिशों पर, उनके लाइफ के तमाम पहलुओं पर।
यहां तक फरमाया कि सच बोलने वाला छुपता फिरेगा, ईमानदार मुजरिम तस्वर किया जाएगा सोसाइटी में, ईमानदार शर्म के मारे छुपाएगा अपने आप को, बदयानत और जो बेईमान और खाइन करप्ट लोग हैं वो फख्र से सर ऊंचा करके चलेंगे, ये सब अलामतें हैं। तो ये एक कल्चर आ गया है। अब इस कल्चर में आगे ईमान पर हमले ही हमले हैं, ईमान के बचाव की कोई सूरत नहीं है, नफ्स के भी हमले हैं, दुनिया सोसाइटी माहौल के भी हमले हैं, शैतान के भी हमले हैं और जमाने के भी हमले। अब मैं क्रक्स ये बता रहा हूं बेटे कि ऐसे माहौल में ये कभी मुमकिन नहीं होगा कि आगे चल के आका अलैहि सलाम ने सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह ऐसे जमानों में, दो सूरतें आका ने फरमाई, ऐसे जमानों में हम हमारे जो लोग होंगे मुसलमान ईमान कैसे बचाएंगे। फरमाया ये ऐसा दौर आ जाएगा कि जो शख्स दुनिया और सोसाइटी घर बार छोड़ के पहाड़ों की गारों में चला जाएगा और इबादत करेगा सिर्फ उसका ईमान बचेगा। मतलब यह है कि सोसाइटी में बिजनेस में लाइफ में हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपको सीधी राह पर ईमान की राह पर नेकी तकवा हुजूर की गुलामी मोहब्बत की राह पर सच्चाई की राह पर निजाम सोसाइटी फैमिलीज उनके तकाजे चलने ही नहीं देंगे। एक आदमी इतना सारे इसके हलाल कमा के लाता है, दूसरे का हलाल हराम मिला हुआ बहुत सारा आता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है, एक बहन उसके घर है दूसरी बहन आपके घर है, आपके पास रिस्क हलाल आता है, उसी बीवी ने ही आपकी जान नहीं छोड़नी कि मेरी बहन तो देखो इस तरह रह रही है, तो मैंने तुम्हारे घर आके क्या पाया, मेरे तो खाना ही नहीं मिलता मुझे खाने की। मैं तो एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। तो वो फिर जब एक दूसरे के मिलेंगी तो उनका रहन सहन सारा है, तो यानी इस तरह सोसाइटी है उठना बैठना। तो ऐसे हालात में इतनी ईमान के ऊपर हमले हैं, फरमाया जो गारों में चला जाएगा और यानी ऊंट बकरियां चरा के दूध से अपना पेट पालेगा और इबादत करेगा उसी का ईमान बचेगा। एक दूसरा आका इस्लाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में मेरी उम्मत की एक जमात, जमात कहते हैं तबके को जी। ये हदीस सहीह है कि आमद तक इन तमाम फितनों के दौर पे हक पर कायम रहने वाले लोगों की भी एक जमात हो। उस फिर समझा रहा हूं, जमात से मुराद स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मुराद एक तबका है कि मेरी उम्मत के इन फितनों के भी तमाम अदवार में एक तबका ऐसे लोगों पर मुश्तमिल ऐसे लोग होंगे जो हक पर रहेंगे, हक की दावत देंगे, बातिल से लोगों को मना करेंगे बचाएंगे, हक के लिए लड़ेंगे और बातिल के साथ जंग करेंगे। ये हदीस के लफ्ज में तर्जमा बता रहा हूं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और दूसरी जगह फरमाया वो ऐसे लोगों के जो मुझसे मोहब्बत करेंगे, अपनी जान और माल भी लुटाकर मेरे दीदार की ख्वाहिश करेंगे, वो मेरे फरमाया वो मेरे इख्वान मेरे भाई होंगे, मैं उनकी मुलाकात का तलबगार हूं। इस तरह की आपने पेशीनगोइयां फरमाई, यानी वो लोग जो फितनों के दौर में ईमान पर कायम रहेंगे और कुरान से और मेरी सीरत से और मेरी मोहब्बत से अपना ताल्लुक जोड़ के रखेंगे। और फरमाया एक तबका मेरी उम्मत में हमेशा ऐसे लोगों का रहेगा जो हक के लिए लड़ेगा मरेगा। ये इशारा दिया जमात की तरफ, तंजीमी वजूद की तरफ। क्या और एक इशारा दिया, अगर तंजीमी वजूद नहीं है जी। तो फिर गारों में चले जाओ, तनहा रहना है तो गारों में जाओगे तो ईमान बच जाएगा। बस दिन को ऊंट का दूध पिया या बकरियों का दूध पिया, चराया और इबादत कर ली। यानी अब ये जो आसार हैं ये एक्सट्रीम है, मगर उस सिमत हालात जा रहे हैं। इन हालात में हुज़ूर इस्लाम का फरमान कि हमेशा मेरी उम्मत में एक तबका अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने वाला और हक के लिए युकातिलून अल हक के लिए जंग लड़ने वाला, बातिल से लड़ाई करने वाला, हक को जिंदा करने वाला उठाने वाला रहेगा। क्यों रहेगा? आकल इस्लाम को मालूम है कि उन अदवार में आकर किसी इंडिविजुअल के बस में नहीं रहेगा कि रहे भी सोसाइटी में और उसका ईमान और नेक अमल भी
और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से नस्बत भी, अल्लाह की बंदगी भी और खैर भी और जहनी तहारत और पाकिजगी भी बच के रह सके। पूरे के जैसे समंदर में या दरिया में आपको कोई धक्का दे दे और कहे भाई आपने गीला नहीं होने देना अपने कपड़े को, भीगना नहीं है, तो जब दरिया में आपको धक्का दे दिया तो आप कैसे नहीं भीगेंगे? तो दरिया में जाएं या तालाब में चले जाएं और भीगे नहीं तो नहीं हो सकता। तो गोया ये एक सोसाइटी अब इस तरह माहौल आगाज हो चुका है फितनों का और आगे जा रहा है कि इस तालाब में या इस बुराई के समंदर में रहना है और वो छींटे भी पड़ेंगे, भीगेगा भी इंसान। उसका इलाज आका अलैहि सलाम ने फरमाया दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो वक्त शायद अभी नहीं आया, शायद वो सीदना इमाम महदी अलैहि सलाम की आमद के वक्त या ईसा अलैहि सलाम के नुज़ूल के वक्त शायद वो वक्त आ जाए। आप समझ गए ना जी जी। कि जब इंडिविजुअल्स को ईमान बचाने के लिए पनाहगाहें को जरूरत होगी जी जी। ये वो दौर है जिसमें आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि ईमान भी अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ मदीना में आ जाएगा, जिसका मतलब है सारा जहान ईमान से खाली हो जाएगा और ईमान की पनाह भी मदीने में होगी। तो वो अगला दौर है। तो जो उससे पहले अदवार हैं उसमें ये दूसरा जो तरीक फरमाया कि अहले हक का एक तबका होगा जो ईमान के कयाम के लिए, हक के कयाम के लिए, बातिल से लड़ने के लिए हमेशा अपनी जंग जिद्दोजहद जारी रखेगा। सो उस फरमान नबवी की तामील में लोग अपने अपने दौर में एक इज्तिमाई काविश करते रहे। हमने मिनाजुल कुरान को कायम किया है, आप समझ गए ना जी जी। अब इस दौर में इंडिविजुअल अगर चाहे कि वो अपने और अपनी औलाद के ईमान को, आप थोड़ा एनालिसिस करेंगे ना आप बैठ के अपने इर्द गिर्द के माहौल का, कितने वालदैन हैं जो खुद नमाजी थे, अच्छी राह पे थे, मगर बच्चे उनके वालदैन जैसे नहीं रहे और बच्चों के हाथों वो उनके हालात पर रोते हैं, परेशान हैं। अब आप गिर्द पेश में, अईजा अकारिब में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में देखें तो आप सैकड़ों तक गिनती करते चले जाएं, आपको जगह जगह नमूने मिलेंगे। वजह क्या है कि पेरेंट्स ऑन देयर ओन अपनी नस्लों के बच्चों के ईमान की हिफाजत में कामयाब नहीं हो सके, नाकाम हो गए, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े पेरेंट्स, बहुत बड़े दिफाई माहिर तो नहीं थे, ईमान के दिफाई माहिर तो थे नहीं, पेरेंट्स ही थे ना। जितना उनसे हो सका, जितनी उनकी सलाहियत थी, जितनी समझ थी, जितनी उनके अंदर ईमानी मजबूती थी, खुद भी तो कमजोरियां थी, उन्होंने किया होगा, मगर वो इतने दिफाई माहिर नहीं थे कि वो जंग के माहौल में गोले भी चल रहे हैं, तीर भी चल रहे हैं, तलवारें भी चल रही हैं, हमले हो रहे हैं, सब ईमान पर, तो उसमें वो बच्चों और नस्लों को बचा भी सके। बद अकीदगी भी है, बद अमाली भी है, बद अखलाकी भी है, बद फिक्री भी है। एक कल्चर है सारा पूरा ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया सारा, फहाशी और यानी बेहयाई सारे हजार किस्मों के हमले हैं। तो सिर्फ ये इंटरनेट की और सेल फोन की, मोबाइल फोन वगैरह की जो फैसिलिटी है और ये जो ईमेल, सिर्फ इसी यही किसी को बर्बाद करने के लिए एक चीज काफी है, जो जरूरियात भी पूरी करता है और आपको मालूमात भी देता है, वहीं वो ईमान और अखलाक को जला के राख कर देने के लिए भी मोर देन अनफ है। आप समझ गए? तो मतलब ये है कि पेरेंट्स ऑन देयर ओन ना अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं ना अपनी औलादों के ईमान को। इसलिए हर कोई अब बैठा है, मेरे बच्चों का ये हो गया, मेरा ये हो गया, दुआ कर। अब ये चीजें दुआओं से तो नहीं होनी, इसके लिए दवा से बढ़कर, दुआ से बढ़कर दवा भी चाहिए थी। तो ये दवा है कि एक ऐसी तंजीम को कायम किया जाए, और जब तंजीम कायम होती है तो उसकी मिसाल एक दरख्त की होती है। दरख्त के साथ, दरख्त को जड़ों से पानी मिलता है, तने को, फिर उस पर शाखें लगती हैं, तो फल भी कभी जो फल है वो भी शाखों पर लगता है और उसी शाख पे लगता है जो तने के साथ जुड़ी हुई होती है। और उस शाख को अलग करके रख दें और तवक्को करें इस पे फल लग जाएगा, तो फल कभी नहीं लगेगा, न पत्ते आएंगे न फल आएंगे। तो उस शाख को भी हरा भरा होने के लिए किसी तने से जुड़ना है। तो ईमान की शाख भी इस तरह हरा भरा होती है कि किसी एक इज्तिमाइयत में अपने आप को जोड़े। इसलिए वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदून, जगह जगह कुरान मजीद में कि तुम में से एक तबका ऐसा होना चाहिए जो ये काम करे, तुम में से एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए ये काम करे। कुरान मजीद में दर्जनों मकामात पे ये हुक्म आया, क्योंकि इसमें आफियत है
उन लोगों की जो ऑन देयर ओन अपने या अपने खानदान या बच्चों के ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते, तो ताकि उनकी और सोसाइटी में ईमान की हिफाजत का एहतमाम हो सके। मैंने आपको उसका एक सैकड़ों एंगल्स हैं बेशुमार, मगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल आपको एक्सप्लेन किया। तो ये इससे वाबस्तगी का नतीजा ये होता है कि आप फिर जब आप इज्तिमाईयत पैदा करते हैं तो अब आप खुद बिजनेस करते हैं तो इज्तिमाईयत के लिए फिर रिक्वायरमेंट्स होती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है, उसका कोई नाम देना पड़ता है, उसकी मेंबरशिप होती है, आप एक पूरी वाबस्तगी की शक्ल बनाते हैं, रफाकत उसकी वाबस्तगी होती है, उस रफाकत की कोई सूरत बनाते हैं, फिर जब आप अटैच हो जाते हैं प्रॉपर उस काफिले का, उस लश्कर का, उस समंदर का या उस इज्तिमाईयत का हिस्सा बनते हैं, तो फिर ये कि वो ताल्लुक फिर हया में इजाफा करता है, फिर आपको किताबें मिलती हैं, ताल्लुक जो जो बढ़ता है तो आपको शौक होता है कि मैं सुनूं, फिर खिताबात सुनते हैं, फिर सोबत में बैठते हैं, फिर ऑनलाइन कंप्यूटर पे सारे बच्चों को घर में टीवी पर डीवीडीज पर खिताबात सुनवाते हैं, किताबें लाते हैं, लिटरेचर लाते हैं, पढ़ाते हैं। यानी अटैचमेंट फिर कुछ चीजें आपके अंदर पैदा करती है, वो जो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कुर्ब और ताल्लुक जो पैदा करता है, वो चीजें आपके ईमान को महफूज करने के लिए टूल्स और मीन्स बनते चले जाते हैं, वो जराए बनते चले जाते हैं। अब मैं देखता हूं कि कई ऐसे हैं जिनकी तीसरी नस्ल मैंने अपनी आंखों के साथ मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता देखी है, वो भटके नहीं है कहीं। जो लोग नहीं वाबस्ता हुए, अल्लाह पाक उनको तौफीक दे कि वो जिस तरह खुद नमाज रोजे नेकी की राह पर हैं, तो आगे औलादों को भी वो अमल मुंतकिल कर सके, अल्लाह तौफीक दे सबको। मगर बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपनी हद तक, चूंकि उन्होंने तैयार किया था उनको उनके पेरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स पहले जमाने में थे जिनकी डेथ मसलन 1960s, 70s, 80s के जमाने में हुई, उस जमाने इतने हमले नहीं थे। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले हालात बड़े मुख्तलिफ थे। तो जो पेरेंट्स मुंसलिक नहीं हुए किसी भी ऐसे नेक काम के इज्तिमाईयत में, और वो इस ख्याल में कि शायद हम अपने बच्चों को भी, हम भी तो ठीक राह पर हैं ना, तो हम अपने बच्चों को भी कायम रख लेंगे, उन्हें मुखालता था, वो ठीक राह पे ऑन देयर ओन नहीं है। उनके वालदैन उस दौर के लोग थे जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी, रिज़्क़ हलाल कमाया था, रिज़्क़ हलाल खिलाया था, मारते थे, सिखाते थे, आदाब देते थे, घर में भी हयाई नहीं थी। तो भी आप पले थे उस पीरियड में उन वालदैन के पास। अब उन वालदैन जैसी तरबियत की सख्ती आप में नहीं है, दौर नया आ गया है और बच्चे भी वो सख्ती कबूल नहीं करते, चेंज हो गई ना कल्चर। तो अब उस तरह आप बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते जिस तरह आपकी परवरिश की गई थी। आपको कुछ अब नए टूल्स और मीन्स चाहिए। तो जिन्होंने अपने ऊपर तकिया किया वो बच्चे लूज हो गए। अब उन घरों में मुझे इल्म है बच्चे उनके शराब में पीते हैं, क्लबों में जाते हैं, दुनिया की हर बुराई की तरफ जाते हैं, अलअमान अलहफीज। और ऐसे हजारों लाखों लोगों के अंदर तो जो मुनसलिक हो जाते हैं, वो मुनसलिक होना जो ताल्लुक होती है, अब वो ताल्लुक भी आदमी, मैं हमेशा ये कहता होता हूं कि मुनसलिक होने से पहले अच्छी तरह सोचें कि जहां मैं रफाकत या ताल्लुक या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इज्तिमाईयत में दाखिल हो रहा हूं, वो जगह दुरुस्त और अहल भी है, किस मकसद के लिए दाखिल हो रहा हूं, वो मकसद मेरा पूरा भी होगा या नहीं। ऐसी जगह भी हैं कि आप मुनसलिक होंगे किसी अकीदत के साथ, उन्होंने उम्र पर पैसे ही बटोरने आपसे, नजराना ही लेने, हाथ चूमेंगे जाएंगे, खिदमत करेंगे, नजराना देंगे, दुआ लेंगे, घर आ जाएंगे, उसके अलावा वहां से कुछ मिलना सारी जिंदगी नहीं मिलना। बस आप ज्यारत को जाएंगे कभी, नजराना देंगे, बस मिलेंगे और पैसे दे दिला के दुआ करवा के आ जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं मिला वहां से। जिस मकसद के लिए इज्तिमाईयत का हिस्सा बनना जरूरी है, वो मकसद वहां है ही नहीं। मैं लोगों को कहता हूं कि ये फैसले से पहले परखें जरूर। मैं बहुत यंग लाइफ में, आपको अगर मेरे पुराने खिताबात की डीवीडीज और सीडीज हों, लेकिन खिताबात सुनने वाले जिन्होंने 80s में सुना और 90s में जो सुनते थे उनको याद है, सब लोग मौजूद हैं। मैं कहता था अपने तलबा से भी, सब रुफका से कहता था, आप मेरे साथ रहते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरी मजलिस सोबत में बैठते हैं, आपको शायद सारी दुनिया से बढ़ के मैं लगता होगा, फिर आप समझते होंगे अपनी अकीदत में कि मेरे जैसा दुनिया में है ही नहीं।
मैंने कहा ऐसा ख्याल ना करें, मुबालगा आ रही है, आप घूमें फिरें, सिर्फ ये कि अपने कुछ मेयारात बनाएं कि आपकी तकाजे तक और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस दौर में, अपने ईमान को बचाने बल्कि मजबूत तर करने और अगली नस्लों को मुंतकिल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो जरूर लिख लें, और वो रिक्वायरमेंट्स लेके घूमें फिरें, मुझे सबसे बड़ा ना समझें, पहले घूमें फिरें, अरब भी जाएं, अजम भी जाएं, शाम जाएं, इराक जाएं, अरब जाएं, वेस्ट में, ईस्ट में, हर तरफ पाकिस्तान में जाएं, दो दो चार चार महीने, ये आपने सुनी हुई ये बातें मुझसे, दो दो चार चार महीने, छह छह महीने गुजारें लोगों के पास, जो बड़े बड़े नाम दो चार पांच दस आप दुनिया इस्लाम में सुने ना, आलम इस्लाम में, उनके पास कुछ वक्त गुजारें, जहां सबसे बेहतर आपको मिल जाए ना, या तबीयत इत्मीनान पाए, बस उस इज्तिमाईयत का हिस्सा बन जाए, मुझे भूल जाए। मैंने सैकड़ों बार ये बात की, मेरे खिताबात में आज तक आप, मैंने कहा वापस मेरे पास ना आए, चूंकि जिस मकसद के लिए मेरे पास आपने आना था वो मकसद मुझसे बेहतर किसी और जगह अगर तुम्हारा पूरा हो जाए तो मैं आपको हुक्मन कहूंगा उधर जुड़ जाए, मुझसे बेहतर पूरा हो रहा है कहीं से, और अगर घूम फिर के पूरी दुनिया में देखें कि किसी और जगह मकसद उस तरह पूरा नहीं हो रहा यहां होता है तब वापस आए, और अगर इससे बेहतर या इस जैसा कहीं पूरा होता है तो जाएं, मगर इतना जरूर है कि इज्तिमाईयत से जुड़े, तना रहेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे, हमले इतने सख्त हैं, ये अपनी लाइफ में नाकाम हो जाएंगे, मोस्टली अपनी लाइफ में नहीं, अपनी गुजर औकात कर लेंगे मगर बच्चों के लिए पहली नस्ल भी बर्बाद कर बैठेंगे, और अल्लाह पाक ने फरमाया कू अनफुसकुम वअहलीकुम नार, अपने आप को और अपने अहलो अयाल बच्चे बेटियों को भी दोजख से बचाओ, तुम्हारे ऊपर कम से कम एक नस्ल की जिम्मेदारी तो है ना, तो पूछा जाएगा आपसे वो क्यों बर्बाद हुए। तो ये मैं हमेशा कहता रहा हूं, है? तो वो फिर ये है वो बुनियादी जरूरत, इसका पहले तयन करें, यानी आंखें खोलकर, दिमाग को और आंखों को खोलकर तनकीदी निगाह से परख पर, जैसे अच्छी तरह परखते हैं ना, अपने मेयारात को जेहन में रखकर, यानी ये जरूर है, इसमें मैं आपको कहूंगा कि इज्तिमाईयत के बगैर रहना अपने आप को बड़े खतरे में रखना है, आप बड़ी लहरों का और बड़े तूफानों का और हमलों का मुकाबला नहीं कर सकते, खासतौर पर अपनी नस्लों को ये मुंसलिक कर जाना, आप नस्लों पर उनको तैयार करेंगे तो फिर वो आप उनके जो बच्चे आएंगे वो उनको महफूज करेंगे इस तरह, तो नस्ल दर नस्ल इस तरह दीन और ईमान और आकल इस्लाम का ताल्लुक और गुलामी और ये जो नूर है ईमान का आगे मुंतकिल होगा, ये जरूरी है। रह गया ये फैसला करना कि ये बात तो समझ में आ गई, किस इज्तिमाईयत का हिस्सा बने, किससे जुड़े, उसके लिए आंखें दिमाग खुला रखना चाहिए, उसमें अंधा ना बने, उसमें बिल्कुल सोच विचार करें, बड़े दावेदार होंगे, हमारे भी हमारी तंजीम के लोग भी दावे करते होंगे जी भी हमारे यहां हमारे कायद वला बला है पतनी फलांटी वहां, तो कहीं हर कोई अकीदतमंद कहता है जी, मुबालगे करें, उसमें भी ना बने, सोचें। और मैं लोगों से कहता था कि लोगों के साथ रात दिन गुजारें, जिसके साथ जुड़ना हो उसके साथ रात दिन देखें कि बाहर क्या करता है, अंदर क्या करता है, लोगों की मजलिस में क्या जाहिर करता है, और जब तना होता है, जब एक दो खास दोस्तों में, उस वक्त उसका किरदार, गुफ्तगु, अमल, तर्ज अमल क्या होती है, उसकी अपनी निजी सोचें किस तरह की हैं और लोगों को तबलीगें किस तरह की हैं, इन चीजों पर जरूर गौर करें, दिन कैसा है और रात कैसी है। मैं हमेशा खिताबात में कहता था, बहुत कहा है, मैंने सैकड़ों हजारों मरतबा ये उम्र भर कहता रहा कि बाहर जब लोग निकलते हैं तो बड़ा जुब्बा इमामा जुब्बे कपड़े लिबास तस्बी हाथ में लेकर बड़ी वजाकता के साथ निकलते हैं, तो बड़े बड़े लोग धोखा खा जाते हैं, सादगी बहुत है सोसाइटी में, लिहाजा उनकी औलाद को देखें, यह भी एक पैमाना है कि उनकी औलाद अपने बाप को फॉलो करती है कि नहीं, यह भी बड़ा जबरदस्त एक पैमाना है। बड़े लोग मेरे पास कई मशायख और पीर आते हैं, कई मशायख और पीर जो गदियों के मालिक हैं बेटे, मैं बता रहा हूं, जो बड़ी बड़ी गदियां वाले हैं, मेरे पास आके रोते हैं, औलाद उनका भी एक ही बेटा है, दो बेटे हैं, बिगड़ गए, उनका कहना नहीं मानते, वो और राह पे चल गए, मुझसे दुआ करवाते, या कहते हैं कि उनको भेजते हैं, आपके बहुत अकीदतमंद है, आप कोई नसीहत कर दें कि बाप की सुन ले बात।
मैं उनके कहता हूं भेज दें उनके बच्चों को, नसीहत जरूर करता हूं, मगर उनके बाप को अब इस उम्र में मैं ये बात समझा नहीं सकता क्योंकि अब उनके हाथ में रहा कुछ नहीं। सवाल तो करने का यह है कि उन्होंने आपको आइडियलाइज क्यों नहीं किया, आपकी राह पर क्यों नहीं चले। आपको मेरी बात समझ आई? आपकी औलाद आपकी राह पर क्यों नहीं चली? सवाल तो ये है अपने आप से करने का, मेरी औलाद मेरी राह पर क्यों नहीं चली? बस। और बाहर के लोग चलते हैं मेरी राह पर, मेरी औलाद जो घर वाले वो क्यों नहीं चले मेरी राह पर? ये असल सवाल है। इसलिए कि बाहर के लोग आपका इमामा जुब्बा दस्तार तस्बीह वज़ाकता जो हम ऊपर से दिखलावा होता है ना हमारा जिंदगी का, बाहर के लोग वो देखते हैं, और जो औलाद है फैमिली मेंबर्स हैं वो आपकी असल हकीकत देखते हैं। जब आप घर में दाखिल हो जाते हैं तो आप बिल्कुल जाहिर उतर जाता है तो असल रूप बच्चों के सामने आ जाता है। बच्चे तो रात दिन देखते हैं कि हमारा बाप क्या करता है क्या नहीं करता, किस तरह सोचता है, आम गुफ्तगु क्या करता है, उसके अंदर दुनियादारी कितनी है, दीन कितना है, तकवा परहेजगारी कितनी है, और अय्यारी मकारी कितनी है, सच कितना है झूठ कितना है, बच्चों से तो छुपा हुआ नहीं होता। जी बिल्कुल। तो ये बड़े लोग रोते हैं बच्चे नहीं बने तो है, तो अल्लाह की तौफीक से हम अल्लाह की बारगाह में डरते हैं, अगर उसने हम पर करम किया है हमारी नस्लों पर तो ये उसकी इनायत है, हमारा कुछ नहीं, हम हर वक्त डरते हैं। मगर सोचना चाहिए कि औलाद ने आइडियलाइज क्यों नहीं किया। इसलिए आइडियलाइज नहीं किया कि औलाद वो जो तजाद है ना हमारे जाहिर और बातिन का और अंदर और बाहर का, वो सबसे पहले औलाद पर फैमिली पर एक्सपोज होता है। तो इसलिए मैं सबसे कहता था कि जाएं हर जगह देखें लेकिन अंदर बाहर से देखें, हर चीज पर निगाह रखें। जो ये एक रूहानी निस्बत है वो इसकी ये तो इसके तो बहुत सारे बेटे मैंने जरूरत बता दी ना, ये तो है इसकी एक रूहानी फायदे भी कई हैं। दो चीजें बताता हूं बेटे मुख्तसर। पहली चीज तो ये ईमानदारी की बात है, ये मोहम्मदी मिशन है। ये मैंने ये जो मरकज में हजुल कुरान सारा आकल इस्लाम के हुक्म पर फरमाने पर ही कायम, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मिशन है, उनकी नौकरी है और हुजूरी का फैज है साहब। ये जो लोग हमेशा करते इतनी किताबें कैसी लिख ली, इतने वक्त में इतना काम कैसे हो गया, इतने वक्त में इतनी पूरी दुनिया में नेटवर्क कैसे बन गया, इतना काम कैसे मुमकिन है, हर बंदा सोचता है ना। तो मुझसे पूछते, मैंने कहा जवाब मेरे पास भी नहीं है, मैंने कहा ये तो आकल इस्लाम और अल्लाह का काम है। ये जिनका काम है जिन्होंने करवाना था उन्होंने ये तौफीकात दी, उन्होंने तकमील करवा दी, उन्होंने यहां तक पहुंचा दिया। मैं तो एक टूल था बस, उन्होंने मुझे कर्म कर दिया, अपनी नौकरी के लिए चुन लिया, ये भी उनका इनाम है। वरना बड़े बड़े अच्छे नौकर उनके पास कोई कमी नहीं है, हम तो नौकरों में भी किसी कतार के नहीं है। तो उन्होंने कर्म कर दिया तो हो गया, ये उनका कर्म है, वरना इंसानी बस में नहीं। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज है, इसके अंदर रूहानी मिनहाजुल कुरान की बात कर रहा हूं। दूसरा हुजूर सीदना गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला मेरी एक दरख्वास्त पर रूहानी तौर पर उन्होंने मुझसे आलम रुया में मुझसे वादा फरमाया, मुझे तहरीरी तौर पर मैंने दरख्वास्त की थी कि जो मिनहाजुल कुरान का रफीक हो जाएगा उसको किसी और पीर की जरूरत नहीं है, वो हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद होगा, जैसे मैं उनका मुरीद हूं। अब जो रफाकत इख्तियार कर लेगा बशर्ते के इस पर अमल भी करे और मरते दम तक इस पर कायम रहे सिद्क और इखलास से, तो वो सीदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीदीन में वहीं खड़ा होगा जहां मैं हूं। ये मैंने दरख्वास्त की थी और एक साल तक इंतजार किया, साल के बाद मुझे जवाब आया पूरी मंजूरियों के बाद। ये इसका रूहानी इजाफी फायदा है। इसको मैं बहुत कसरत से बयान नहीं करता मगर कभी कभी एतिकाफ के मौके पर, खास खास मौके पर मैंने इसको बयान किया है, ये भी कैसेट्स में है। इसको मैंने बाज खास खास मौके पर जहां कारकुनान रुफका होते हैं उनको इल्म है, बयान करता हूं बहुत कसरत से। नहीं आकल इस्लाम का भी ये रूहानी हुजूर का फैज है और इसको मैंने हमेशा बयान किया कि ये तहरीक और मिशन मोहम्मदी मिशन है।
اور سارا فیض ہی حضور کا فیض ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کے چشمے سے سیراب ہو رہا ہے بنا دیکھو. آف کورس باقی بھی ہر صدی میں جنہوں نے ایسے کام کیے اور دین کو اور ایمان کو زندہ کیا, تجدید کی, وہ آقا علیہ السلام کے فیض سے ہی کیا. ہر صدی میں جنہوں نے اتنے بڑے کام کیے, حضور علیہ السلام کے فیض کے بغیر اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. ہمارے بعد بھی آئندہ صدیوں میں اللہ جن کو چنے گا اور ایسے کام جن کے سپرد کرے گا, وہ اللہ پاک اپنی خاص مدد اور آقا علیہ السلام کے فیض سے ہی نوازے گا اور اسی سے ہی تکمیل ہوگی. اتنا بڑا کام یہ انسانی وسائل سے, ذرائع سے نہیں ہوتا, یہ اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا ہے. تو اس کی وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجدید دین کا کام ہے. صدی میں جو دین کی تجدید ہو رہی ہے تو بندہ اس کا حصہ بن جاتا ہے, اپنے ایمان کی بھی تجدید کرتا ہے اور امت کے اور سوسائٹی کے ایمان کی تجدید کے اجتماعی پروسیس کا بھی حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز تھی کہ ایک جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں نا ابھی جو چل رہی ہے یہ, تو اس میں تو مطلب آگے کوئی ٹریک ہی نظر نہیں آ رہا ہے. ایسے ہی جیسے کوئی جانور کی ڈیڈ باڈی جائے گی ایسے ہی لگتا ہے ہماری بھی چلی جائے گی. کچھ ایسا ہمیں دے کچھ سبق ایسا کہ ہماری جو ہے نا وہ آخرت بھی جو ہے نا. بیٹے میں نے وہی کہا کہ پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ اس اجتماعیت تحریک منہج القرآن ہے, اس کی لائف ممبرشپ ہے, اس کی رفاقت پختہ لائف ممبرشپ خود اپنی فیملی کی لے, ایک سٹیپ ہے. یہ ہوتا ہے نا جیسے آدمی کسی بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے یہ کرے, اور پھر صرف رسمی رفاقت اور ممبرشپ کو, ممبرشپ جیسے ایک کلب کی یا تنظیم کی ہوتی ہے, رسمی نہ رکھے. جو کچھ اس سے مل رہا ہے پھر اس کو ریسیو کریں, اس کو سنیں, اس کو پڑھیں, گھر میں اس کا تذکرہ کریں, پڑھائی کریں, المناج السوی ہے, عرفان القرآن ہے, بینات ہیں, یعنی 510 کتابیں اس وقت تک جو پبلش ہو گئی میری تصانی آؤٹ آف 1000. یہ یعنی ایسا صدیوں میں نہیں ہوا. 510 تو صرف پبلش ہو چکی ہوئی ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں آؤٹ آف 1000. تو کتابیں ہر موضوع کے اوپر لیں, پڑھیں, پڑھائیں, خطابات سنیں, پھر عمل کریں تھوڑا 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 کر کے, اپنے آپ کو اس کے اندر ڈیولپ کریں, ریسیو کریں اس چیز کو, اپنی زندگی میں لائیں. پھر جیسے آپ کے حالات, مالی وسائل, وقت کے وسائل, صلاحیت ذہنی ہو, پھر اس مشن کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. خواہ کوئی ذمہ داری لے کے کنٹریبیوٹ کریں, اگر مالی وسائل نہیں ہیں ذمہ داری لے کے کنٹریبیوٹ کریں اس دعوت کو پھیلانے میں. جب آدمی دعوت کو پھیلاتا ہے نا, آگے پہنچاتا ہے, یہ بھی ایک فطری امر ہے کہ وہ دعوت کے پھیلانے کا عمل اس کے اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے, اور پھر وہ اولاد کو انوالو کرتا ہے تو اگلی نسل کی بھی انوالومنٹ ہوتی. یہ پروسیس ہے, وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اچھا, اگر بعض اوقات جابز, بزنس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آدمی تنظیمی کام میں ڈائریکٹلی یا دعوت کے پھیلانے کے کام میں انوالو نہیں ہوتا, تو اپنے اوپر کوئی پروجیکٹ اسی مشن تا تحریک کا اس کو ذمہ لے لیں, اگر آپ کے وسائل اجازت دیں تو اس کو پروان چڑھانا ہے. ایکسکلوسیو بھی لے سکتے ہیں, اس سے جڑ جائیں, کہیں کہ یہ کام ہم نے تکمیل کرنا ہے. بے شمار پروجیکٹ ہیں, گوشہ درود کا کام ہے, آغوش میں یتیموں کا پرورش کا کام ہے, بیت الزہرا میں بچیوں کی پرورش کا کام ہے, اس میں بچوں کے یتیم بچوں کا ہے, اس میں یتیم بچیوں کا ہے, گوشہ درود کا ہے, بچوں کے اسکالرشپ ہیں, انسٹیٹیوشن ہیں, یونیورسٹی کے شعبے منہاج القرآن کے بلڈ اپ ہو رہے ہیں. اپنے ہاں مختلف پاکستان بھر میں علاقوں کے اندر انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں. تو یعنی کسی شکل میں آدمی کوئی آپٹ کر لے اور اس کام کو لے کے بڑھے, یا اس تحریک کے وسائل جنریٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوشن, کوئی ایسی چیز بنانے کا عمل شروع کر دیں جس سے اس مشن کو فروغ دینے کے لیے کچھ وسائل اس کو ملتے رہیں. آج ہم ہیں, کل نہیں ہوں گے تو وہ کام نہ رک جائے, تو اس کام کو دوام دینے کے لیے وسائل مہیا کریں. تو خواہ وقت دیں تو وہ بھی کنٹریبیوشن ہے, وسائل خرچ کریں وہ بھی کنٹریبیوشن ہے, ذہنی ان پٹ دیں دماغی اپنی وہ بھی اس کا کنٹریبیوشن ہے, عملی سٹرگل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں وہ بھی کنٹریبیوشن ہے. یہ بندہ خود اپنی صلاحیت کے مطابق ڈیسائیڈ کر سکتا ہے, ایونیوز کھلے ہیں, خود ایونیوز بندہ جنریٹ کر لیتا ہے, اوپن ایک چیز ہے. کلیئر ہو گئے؟ اللہ برکت دے آپ. سلام بگننگ ہے, اس سے وابستہ ہوں, جڑ لیں اس اجتماعیت میں, اس کی جو لائف ممبرشپ ہے, پھر آگے رسمی نہ رکھیں, پھر آگے بڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی تنظیم ہے مقامی اس کا حصہ عہدیدار بن کے کرنا ہے, نہیں. بعض اوقات اس کام کی نوعیت اور ہوتی ہے, آپ کا ٹیمپرامنٹ مزاج ڈفرینٹ ہے, تو آپ کے لیے ایونیو انڈیویجول کے طور پہ بھی اوپن ہے کہ مشن ساروں کا ہے, تو آپ کسی چیز میں انوالو ہو جائیں,
انوالومنٹ سے بندہ برائی سے بھی بچتا ہے اور نیکی کو ڈیولپ کرتا ہے اور مشن کو فروغ دیتا ہے. آقا علیہ السلام کی قربت نصیب ہوتی ہے, رضا نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک آپ کے ماں میں برکت دے اور سلامتی دے, کہ دین کی خدمت کا عظیم سپاہی بنایا, اس کے سلام کی رحمت و سایہ اور لگا دنیا آخرت کی.